एसडीएम और सीओ को भी सूचना हुई और मौके पर भी पहुंचे। इस बीच में उत्तेजित ग्रामीणों ने जो शेष थे जानवरों के वहाँ जो संभावित तौर पर गोवंश के थे उनके अंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल करके चौकी चिंगरावली है उसके 10 मीटर पहले वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली फिर सियानागढ़ रोड को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के पश्चात वहाँ पर जो भी अवेलेबल बल्ला बल्लम डालियाँ आदि थी उसको रोड पर लगा करके पूरा जाम कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली भी रख कर प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज सीओ सभी अधिकारीगण वहाँ पे ग्रामीणों से पहले उन्होंने वार्ता की। वार्ता में उनको समझाया गया कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी अभी उपलब्ध किया जाएगा। पहले शुरुआती दौर में ग्रामीण सहमत हो गए लेकिन बाद में जाम खोलने की बात को लेकर जब जाम खोलने की बात फिर कहीं ऐसी नाइंसाफी हुई जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीणों ने चौकी चिंगरावली पर भारी पकड़ाव और करना शुरू कर दिया। उनका प्रयास किया लेकिन भीड़ 400 के करीब लोग थे जो 3 गांव के थे महाव चिंगरावटी और न्यावास। ये 3 जगह के लोग थे जो ग्रामीण उत्तेजित वहाँ पर जमा हुए थे। उन लोगों ने वहाँ पर जो वाहन पार्क थे पुलिसकर्मी के थे या जो इम्पाउंडेड व्हीकल्स थे जो चौकी पर थे करीब 15 वाहन थे जिनको डैमेज किया जिसमें से 5-6 वाहन को क्षतिग्रस्त भी किया गया 5-6 और 3-4 वाहनों में आग भी लगी और भारी संख्या में पकड़ा होने के दृष्टिगत पुलिस ने भी वहाँ पर हवाई फायर किया। एक होमगार्ड था उसने भी 303 राइफल से हवाई फायर करने की बात आई। ग्रामीणों में से इकट्ठे की के द्वारा फायरिंग की गई प्रचुर संख्या में और उसके बाद इसी फायरिंग में वहाँ के इंस्पेक्टर थे उनका संभवतः एक बहुत बड़ा बैट उनके सर पे लगा जिससे उनको सर में हेड इंजरी होने का पश्चात वहाँ के पुलिसकर्मी थे उन्होंने प्रयास किया कि थाने की गाड़ी में उनको अस्पताल ले गया लेकिन ग्रामीण वहाँ भी आ गए भारी बात वहाँ पथराव हुआ होता था। खैर वहाँ से किसी तरीके से उनको इंस्पेक्टर साहब को सुबोध कुमार सिंह को वहाँ से बुलंद शहर भेजा गया उपचार के लिए जहाँ उपचार के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक शार्प एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से माफ कीजिएगा ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई है और संभवतः यह किसी स्टोन बेल्टिंग या ब्रिकबैक से ही हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है और किस वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई।